हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे एक प्लांट है उस वो बाकी प्लांट्स को कैसे जन्म देगा, ये इसका जो है मतलब है। सो स्टार्ट करते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड्स, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट्स आपको पता है क्या होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द क्लास द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट। एक पेरेंट से एक नया इंडिविजुअल बना। अब देखो इंडिविजुअल मतलब एक सिंगुलर, एक नया इंडिविजुअल बना, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब इसको हाईलाइट कर लो, इसकी डेफिनेशन को। ओके, बट हाउ टू प्लांट, बट प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में बहुत तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, मोड्स होते हैं। अच्छा देखते हैं। इन क्लास सिक्स यू हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्लास सिक्स में आपने देखा था कि जो फ्लावर होता है उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। ठीक है, तो आप प्लांट के अलग अलग पार्ट्स बताओ। आप बोलोगे स्टेम होता है प्लांट में, लीफ होता है, रूट होता है। इन सबको, ये जो आप बता रहे हो ना मुझे, स्टेम, लीफ, रूट, इन सबको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर अ फ्लावर। देखो प्लांट थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर फूल खिलने लग जाते हैं। ठीक है, यू मे हैव सीन अ मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन अ स्प्रिंग। आप देखोगे मैंगो ट्री पे सबसे पहले फ्लावर उगता है, स्प्रिंग के सीजन में मैंगो ट्री पे फ्लावर उगना शुरू कर देगा। ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो किसको राइज, मतलब या हम अभी कहते हैं बर्थ। ये जो फ्लावर्स हैं जो मैंगो ट्री पे उग रहे हैं, ये किसको बर्थ देंगे, मैंगो फ्रूट को। वी ईट द, और फिर हम फ्रूट को खाते हैं और सीड्स नीचे गिरा देते हैं। अब ये सीड्स जर्मिनेट होके नीचे जाकर एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। यही होता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो वॉट इज, लेकिन ये सब होता कैसे है, वॉट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लावर, क्या होता है। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। अच्छा, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा काम करता है फ्लावर। कौन, फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो उसके जो रिप्रोडक्टिव, उसी के अंदर सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट है जिसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कंटेन करता है, वो है फ्लावर। देर आर सेवरल वेज बाय विच अ प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। बहुत तरीके हैं। देर आर कैटेगराइज, एक है एसेक्सुअल, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, प्लांट जो है बिना सीड के, प्लांट जो है बिना। अच्छा, अब आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे बैनियन ट्री। बैनियन ट्री का जो इतनी बड़ी बड़ी रूट्स निकली होती हैं, बिना सीड के वो दूसरा बैनियन ट्री उगा सकता है, तो इसको हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब हम सीड्स को यूज कर रहे हैं, जब सीड को यूज कर प्लांट उग रहा है। ठीक है, पहले थॉट द न्यू प्लांट्स ऑलवेज गिव ऑलवेज ग्रो फ्रॉम अ सीड, बट शी हैड नेवर सीन द सीड्स ऑफ द शुगर केन, पोटैटो एंड रोज। शी वांट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स प्रोड्यूस। तो पहले बोलती है कि उसने जो है सीड्स से बहुत सारे प्लांट उगा रखे हैं। ठीक है, बट उसने जो शुगर केन उगता है, जो पोटैटो उगता है, जो रोज उगता है, इनके सीड्स तो उसने कभी नहीं देखे। ये प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये करते हैं थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए प्लांट्स होते हैं वो बिना सीड के ऑब्टेंड होते हैं। अब चाहे कैसे भी हो बट सीड के बिना होते हैं। ओके ओके, इस चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में आपको पता चल गया, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। ये एक टाइप का एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है जिसके अंदर प्लांट का रूट, स्टेम, लीफ, बड, ये सब ग्रो करता है। द रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, ये जो प्रोसेस है, जब एक ये एक प्लांट है, ये प्लांट धीरे धीरे बड़ा हुआ, इसमें लीव्स उगे, फिर वो लीव्स और थोड़ा बड़ा हुआ, इसके अंदर बर्ड कली आई, फिर प्लांट थोड़ा और बड़ा हुआ, ये कली खिलकर फूल बन गई, फिर प्लांट थोड़ा और बड़ा हुआ, पेड़ बन गया, ये कली, ये जो फ्लावर है ये फ्रूट बन गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स, इन्हीं की वजह से हो रहा है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि लीव्स, रूट, स्टेम, इन्हीं की हेल्प से प्लांट बड़ा हो रहा है और फ्रूट्स दे रहा है। ठीक है, उग रहा है, इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब एक यहाँ पर एक्टिविटी है, कट अ ब्रांच ऑफ द रोज और चंपा विद अ नोड। अच्छा, एक रोज का जो ये एक रोज है आपके गार्डन में खिला हुआ है, इसको कट करके निकालना है आपको, कट कर। दिस पीस ऑफ द ब्रांच इज टर्म्ड एज अ कटिंग। ये जो आप कर रहे हो ना अभी, ये इसको हम कहते हैं कटिंग। बरी द कटिंग इन द सॉइल। अब ये जो आपने कट कर स्टेम निकाली है, इसको सॉइल में डाल दो। ठीक है, आपको क्या करना है, रोज को जड़ से नहीं उखाड़ना है, आपको रोज को काट कर निकालना है, फिर उसके बाद आपको उसको उगा देना है सॉइल में। अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम। नोड क्या होता है, नोड आपने पढ़ा होगा, ये एक प्लांट है, ये जो अब जैसे यहाँ से एक लीफ होगी, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ से एक लीफ होगी, तो ये जो यहाँ पर जहाँ से लीव उगती है, इसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। एंड यहीं से आपको काट करके एक जो है
ये रोज का स्टेम जो है इसको लगा देना है वाटर द, और फिर आप उसको डेली वाटर करो, आप देखोगे कितने दिन में उसकी रूट्स निकल आती हैं। आपने क्या किया, ये आपके गार्डन में एक अच्छा खासा ऐसे रोज निकल रखा था इधर से, रोज का तो बहुत बड़ा पेड़ है बट एक रोज इधर से निकल रखा था, इधर से ये बहुत बड़ा पेड़ है आपका बट एक रोज इधर से निकला है, आपने उसको काट कर निकाल लिया और आपने उसको सॉइल में डाल दिया और उसको डेली वाटर दिया। अब आप उसमें ये नोटिस करो कि उसके रूट्स कब निकलना शुरू होते हैं, ठीक है, नए लीव्स कब आते हैं उसके, ठीक है। आप इसको मनी प्लांट के साथ भी कर सकते हो सेम यही एक्टिविटी। नोड क्या होता है, ये होता है, ये देखो ये नोड है जहाँ से एक और ये प्लांट उगते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। बर्ड इन द एक्सेल, यहाँ पर आप देख रहे हो छोटी सी कली दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये रोज का स्टेम है बाय द वे, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग, आप देखोगे कि फ्लावर के अंदर फ्लावर बर्ड्स कलियाँ खिल रही हैं। तो फ्लावर बर्ड्स के अलावा कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं, फ्लावर बर्ड्स के अलावा और भी जो बर्ड्स होते हैं वो एक्सेल में प्रेजेंट होते हैं। एक्सेल क्या होती है, ये जो आप देख रहे हो इतना छोटा सा, ये इतने सारे लीव्स उगे हैं इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बर्ड्स उगते हैं, कुछ बर्ड्स यहाँ उगने शुरू हो जाएंगे, कुछ यहाँ पर उगेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर ये जो बर्ड्स उग रहे हैं ये कौन से हैं, ये है वेजिटेटिव बर्ड। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट, वेजिटेटिव बर्ड कैन ऑल्सो गिव अ राइज टू प्लांट, ठीक है। तो ये बर्ड क्या करेगा, ये एक नए प्लांट को भी जन्म दे सकता है। अब कैसे दे सकता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्लावर होता है उसी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और फ्लावर ही, फ्लावर किससे बनता है, बर्ड से बनता है, तो बर्ड के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ओके, टेक अ फ्रेश पोटेटो, एक फ्रेश पोटेटो लो, ऑब्जर्व द स्कार्स विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। अब इसके जो छोटे छोटे स्कार्स होते हैं ये यहाँ पर जो छोटे, ओके यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये छोटे छोटे, इसको ध्यान से जो है ऑब्जर्व करो, इनको हम कहते हैं आईज, ये इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं आईज। ओके, कट द पोटेटो इनटू द, आप पोटेटो को छोटे छोटे पोर्शन में करो, ईच विद एन आई एंड बरी देम, और कट करने के बाद आप उसको उनकी आई के साथ, मैं बताती हूँ कैसे, ये पोटेटो है, पोटेटो को इधर से कट करो और ये वाला जो हिस्सा है इसको सॉइल के अंदर डाल दो, चलो इतना कट कर लो, आधा कट करके इसको सॉइल में डाल दो, ठीक है। आपने ऐसे सॉइल में इसको डाल लिया, आधा बाहर है आधा आपने सॉइल में डाल लिया, ओके, ठीक है। विद एन आई, आई के साथ, आई वाला जो हिस्सा है, जो आईज वाला हिस्सा है वो सॉइल में होना चाहिए। वाटर, और फिर आप इसको डेली वाटर करो, आप देखोगे कि क्या कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। जिंजर भी ऐसे ही है, अदरक है, ये अदरक है, अदरक जो है अदरक भी ऐसे ही करेगा, ठीक है। ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव, ब्रायोफाइलम एक टाइप का प्लांट होता है जिसके लीव्स में, जिसके लीव्स में, लीव्स के मार्जिन्स में क्या उगता है, बर्ड, जिसके लीव्स के मार्जिन में कली उगती है, ठीक है। तो आप जब ये पोटेटो जमीन में डालोगे तो आप देखोगे कि पोटेटो का रूट्स निकल रहे हैं, ये यहाँ से आप देखोगे रूट्स निकलना शुरू हो गए सॉइल के अंदर, ठीक है। जिंजर विद द न्यू प्लांट स्प्राउटिंग, अब आप देखो जिंजर से क्या निकल रहे हैं, इसके रूट्स निकल रहे हैं, ऐसे ही सेम आपका पोटेटो के साथ होगा। ओके, इफ अ लीफ ऑफ द प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट सॉइल ईच बर्ड कैन गिव अ राइज टू न्यू प्लांट। अब मैंने आपको बोला कि ब्रायोफाइलम एक ऐसा पार्ट होता है कि लीव्स में बर्ड कलियां उगना शुरू होती है, लीव्स में क्या उगना शुरू होती है, कलियां। ये कली समझ लो, ये पत्ता अगर जमीन मिट्टी में गिर गया, ठीक है, एक ऐसी मिट्टी में गिरा जिसके अंदर वाटर भी है, ठीक है, तो इस पत्ते के अंदर क्या है, बर्ड। ये जो बर्ड है ये एक नए प्लांट को राइज करेगा, एक नए प्लांट को जन्म देगा। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीफ या सिर्फ बर्ड, कभी कभी स्टेम भी जो है हमें न्यू प्लांट राइज करने में हेल्प करता है। व्हेन देयर पार्ट्स गेट, प्लांट सच अ कैक्टाई प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट इट्स डिटैच एंड ग्रो इट इनटू द, अच्छा कैक्टस को तो आपने देखा होगा, उसको ना हम सीड से ग्रो कर सकते हैं ना किसी से ग्रो करते हैं, तो जो कैक्टस होता है वो आपने ऐसा देखा होगा, उसके ऐसे निकले होते हैं, ठीक है। तो अब कैक्टस क्या होता है, समझ लो इसका ये वाला हिस्सा टूटकर जमीन में गिर गया, तो वहीं से एक नया कैक्टस उग जाएगा। तो जो कैक्टस होता है वो अपने मेन बॉडी से डिटैच्ड होकर टूटकर एक नए प्लांट को जन्म दे देता है। ये देखो मैं आपको यही इसी ब्रायोफाइलम के बारे में बता रही थी, ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं, ब्रायोफाइलम एक टाइप के प्लांट का नाम है, ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं उसके साइड में क्या उग रही होती हैं, कलियाँ, ये नए नए प्लांट्स हैं। सोचो अगर यही पत्ता जमीन में गिर गया, सॉइल में गिर गया, तो ये एक नए प्लांट को जन्म दे देगा, यही चीज पहले लिखी हुई थी। वो जो वॉन्ट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या एडवांटेज है,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको याद है ना, जब लीफ रूट स्टेम ये सब ग्रो करती हैं एंड एक प्लांट बना देती हैं पूरा, ठीक है। तो इसका क्या एडवांटेज है, तो यहाँ देखो, प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक अ लेस टाइम टू ग्रो। अब इसके इतने एडवांटेज पूछे ना, एडवांटेज ये है कि अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, मतलब इसमें हमको सीड्स का यूज नहीं करना पड़ रहा है, लीफ स्टेम यही सब काफ़ी है प्लांट को ग्रो करने में, तो ये कम टाइम लेता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से टाइम कम लगता है, ठीक है। बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, और फ्लावर्स और फ्रूट भी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने सीड से उगाना शुरू किया तो एक आध महीने में, दो तीन महीने में उगेगा, लेकिन अगर आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू उगाना शुरू किया, समझ लो आपने एक पौधा पहले से लगा दिया, वो पौधा के अंदर बहुत जल्दी फूल आ जाएगा, बट आपने एक सीड लगाकर सोचा कि ये पौधा उगाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये फायदा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी, अच्छा जो नए प्लांट्स होते हैं, जो नए प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्ट, अच्छा ये कैक्टस क्या था, ये पेरेंट था, इसका जो ये बेबी है, समझ लो इसका ये बेबी है, इसका बेबी टूटकर नीचे गिर गया, जब ये बड़ा होगा तो ये भी क्या होगा, इसी की तरह दिखेगा। तो जो नए प्लांट होते हैं, जो पेरेंट प्लांट होते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, ठीक है, उनके बच्चे और वो जो सेम दिखते हैं, बच्चे नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हो रहा है कि प्लांट का जो न्यू निकला है, न्यू प्लांट एंड जो उसका पेरेंट प्लांट है। लेटर इन दिस चैप्टर आप पढ़ोगे कि प्लांट सेक्सुअल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन से कैसे जो है वो निकलते हैं। अब हम सबसे पहले बडिंग के बारे में देखते हैं, बडिंग क्या होती है, बड का मतलब तो आपको पता ही है, कलियाँ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म, आपने यीस्ट के बारे में पहले भी सुना है, यीस्ट को सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई, ये जो होते हैं यीस्ट, ये बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड ग्रो करते हैं, समझ लो ये एक यीस्ट है, ये क्या करेगा, बीच में से मल्टीप्लाई होकर दो बना लेगा, फिर ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई होकर ये चार, ये दो और बना लेगा, ये मल्टीप्लाई होकर दो और बना लेगा, फिर ये मल्टीप्लाई होकर दो और बना, मतलब ये इतनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी जल्दी जल्दी कि पूछो मत, और कुछ घंटे में इतने सारे हो जाते हैं, इतने सारे पूछो मत, और ये हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं। रिमेंबर डेट द यीस्ट, और यीस्ट क्या होता है, एक सिंगल सेल, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, सिर्फ एक सेल। अब हम देखते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। आप क्या लो, यीस्ट केक लो और उसमें यीस्ट पाउडर डाल दो। देखो जो केक्स बनते हैं उसके अंदर हम क्या डालते हैं, यीस्ट ही डालते हैं। तो आप क्या करो, एक अपना केक का वो बनाओ, मतलब पाउडर समझ लो, जैसे ब्रेड बनाते हैं ना केक का नीचे वाला, उसके अंदर आप डाल दो पिंच ऑफ यीस्ट, ठीक है, और उसको एक पानी में छोड़ दो। एड अ टीस्पून ऑफ द शुगर एंड शेक इट डिजॉल्व, कीप इट अ वार्म इन द रूम आफ्टर नाउ पुट द ड्रॉप इज दिस लिक्विड ऑन अ स्लाइड। ओके, आपको क्या करना है, यीस्ट केक लिया आपने या फिर यीस्ट पाउडर ले लो, हमने यीस्ट पाउडर ले लिया, ठीक है, बेकरी से आपको मिल जाएगा, यीस्ट पाउडर आपने ले लिया, ये यीस्ट का पाउडर है, ठीक है। अब इस यीस्ट के पाउडर के साथ आप जो है वाटर डाल दो, इसमें वाटर डाल दो और इसके अंदर शुगर भी डाल दो और इसको मिक्स कर रख दो, ठीक है, शेक कर मिक्स कर रख दो, फिर आप देखोगे एक घंटे बाद पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस। अब आप इस लिक्विड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना, आपको इसके अंदर यीस्ट दिखेंगे और यीस्ट कैसे डिवाइड हो रहे हैं आपको वो भी दिखेगा। देखो मैंने आपको बताया था ना ये क्या है, एक यीस्ट का सेल है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन बताओ यीस्ट का, तो जब आप उसमें बताते हो कि अभी जब ये पैराग्राफ जब आप बताते हो यीस्ट का रिप्रोडक्शन, तो उसमें फिगर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये यीस्ट का सेल है, ठीक है, ये एक सिंगल यीस्ट है। अब ये क्या हुआ, ये देखो इसमें से बड़ निकला, ये कली निकली, अब ये धीरे धीरे क्या होगी, अलग हो जाएगी इससे, धीरे धीरे क्या हो गई, देखो अभी तो ये नया बर्ड है, ये डेवलपिंग बर्ड है, मतलब ये बर्ड अभी बन रहा है, यहाँ पर बन चुका है, अब यहाँ पर ये अलग हो गया है, फिर इस वाले से एक नया बर्ड, इस वाले से एक नया, फिर इस वाले से नया, ठीक है। अच्छा इसके बीच में एक गोला गोला क्या है, अब जैसा कि एक सिंगल सेल है तो इसके अंदर एक ही जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, वो आपको अभी इतना नहीं जानना है। तो अब आप ये डायग्राम अपने से अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, और मैंने समझा भी दिया है, यीस्ट है, बर्ड डेवलप होगा धीरे धीरे, फिर एकदम वो नया बर्ड बन जाएगा, फिर वो उससे अलग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बाकियों के साथ भी होगा। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड, ठीक है। बड क्या होता है कि जो आपको स्मॉल लाइक प्रोजेक्शन ये यीस्ट से निकलता हुआ जो आपको दिख रहा है इसी को हम कहते हैं बड। ये बड क्या करता है, धीरे धीरे उगता है, यहाँ पर उग गया एंड ये डिटैच हो जाता है, डिटैच मतलब अलग हो जाता है पेरेंट सेल से, ये इसका पेरेंट सेल था इससे अटैच हो गया एंड इसने एक अपना न्यू यीस्ट सेल बना दिया। तो जो न्यू यीस्ट सेल है ये भी बड़ा होगा, मैच्योर होगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा यीस्ट सेल बनाएगा, फिर ये वाला बड़ा होगा, बड डेवलप होगा, फिर ये जो है न्यू यीस्ट सेल बनाएगा, फिर ये न्यू बनाएगा, ऐसे होता रहता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है और फिर यीस्ट सेल जो है थोड़े से समय में इतने ज़्यादा हो जाते हैं।
अब हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में. यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेज इन द पॉन्ड. अच्छा, आप पॉन्ड में देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेज होते हैं. स्टैगनेंट वाटर, स्टैगनेंट मतलब वाटर एक ऐसा गड्ढा जहाँ पर जैसे वाटर जमा हुआ है, ठीक है. तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन पैचेज जो होते हैं वो किसके होते हैं, एल्गाई के. इवन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गाई ग्रो एंड मल्टीप्लाई एंड रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन. ये क्या है, एक समझ लो ये पॉन्ड है, इसके अंदर वाटर बहुत बारिश हुई थी और वो वाटर जमा हुआ है और बहुत दिन से वो जमा हुआ है, किसी ने साफ भी नहीं किया. उसके ऊपर क्या जम गई, एल्गाई. अब अगर उस एल्गाई को अच्छा खासा वाटर और अच्छा खासा न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो वो एल्गी ग्रो करेगी, मल्टीप्लाई करेगी एंड फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ये बढ़ती जाएगी. ये किस प्रोसेस के थ्रू बढ़ रहा था, बडिंग. एल्गी किस प्रोसेस के थ्रू बढ़ेगी, फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, एल्गी क्या होगा, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी दो दो फ्रेगमेंट्स. अब जैसे ये देखो, ये क्या है, ये स्पायरोगैरा. स्पायरोगैरा क्या है, एक एल्गी का नाम है. अब आज के बाद आपको याद रखना है, ठीक है, एक स्पायरोगैरा एल्गी का नाम है. अब जैसे ये एक एल्गी है, ठीक है. अब समझ लो इस एल्गी को अच्छा खासा वाटर एंड न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो ये एल्गी क्या करेगी, दो में डिवाइड हो जाएगी, फिर ये अगले दो में, फिर ये अगले दो में, ऐसा होता जाएगा, ठीक है. एंड ये न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो करती जाएगी. ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस एंड लार्ज एरिया इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है. इतने थोड़े से टाइम पे ये इतना ज़्यादा एरिया कवर कर लेती हैं, लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अब हम पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन. हमने बडिंग पढ़ लिया, हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ लिया, हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया. स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, चैप्टर वन में आपने पढ़ा था फंजाई, फंजाई के बारे में. अब जो फंजाई होता है वो ब्रेड के प्रीसीज में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी. ओके, अब इस एक्टिविटी को हम रिपीट करने जा रहे हैं. ऑब्जर्व द स्पोर्स ऑफ द कॉटन लाइक अ मेश ऑन द ब्रेड. ये समझ लो ये हाइफा है, ठीक है. ये टाइप का प्लांट होता है. ऑब्जर्व द कॉटन लाइक मेश. ये कॉटन जैसा कुछ आपको प्लांट दिख रहा होगा, ये डंडी है, इसके ऊपर कॉटन उग रखा है, कुछ ऐसा ही प्लांट है. व्हेन स्पोर्स आर, तो ये जो प्लांट होता है इसके ये नीचे वाला हाइफा होता है. ये डायग्राम भी आपको वापस बना के प्रैक्टिस कर लेना है. इसको हम कहते हैं हाइफा. लेट्स ड्रॉ इट अगेन. ये ऐसे बन रहा है, ये क्या है, हाइफा, ठीक है. एंड यहां से उग रहा है एक स्पोरेंजियम. इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं. जैसे ही स्पोरेंजियम फटता है ये स्पोर्स निकल जाते हैं, ठीक है. तो ये क्या है, स्पोरेंजियम. एंड जब थोड़ी देर बाद ये स्पोरेंजियम क्या हुआ, फट गया, तो इसके अंदर क्या होंगे, स्पोर्स. अब इस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है. ये क्या है, रिप्रोडक्शन थ्रू द, अच्छा ये फर्न भी है, एक टाइप का क्या प्लांट है, ठीक है. इसके अंदर आप देख सकते हो स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है. ये जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ये स्पोर फॉर्मेशन. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बडिंग के थ्रू अपना जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो फर्मेंटेशन के थ्रू, एंड कुछ होते हैं स्पोर फॉर्मेशन. तो ये जो फर्न आपने यहाँ देखा एंड ये जो कॉटन लाइक मेश का आपको कुछ प्लांट दिख रहा है, कॉटन जैसा ही है, ठीक है. ये प्लांट स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू डिवाइड होते हैं. एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. ये बहुत हल्के होते हैं. तो जैसे ये स्पोरेंजियम फूटेगा ये स्पोर्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब दूर दूर भाग जाएंगे अपने से. स्पोर्स आर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी. ये स्पोर फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस है, ये है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ईच स्पोर इज कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव. अच्छा ये ए सेक्शुअल क्यों है, क्योंकि ये सीड्स से नहीं ग्रो हो रहे हैं, ठीक है. ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू द विंड्स एंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज द टेम्परेचर. अच्छा हर एक स्पोर के ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है. ये बहुत सारे स्पोर हैं, हर एक स्पोर के ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसको बचाती है टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी से, ठीक है, मतलब चिपचिपाहट इन सब से. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वो इसीलिए जो है इतने टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं. अंडर द फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इन टू अ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो एक स्पोर है वो आगे जाकर फिर क्या करेगा, ऐसे ही स्पोर अपना एक ट्री पे जाकर के फट करके फिर अपना नेक्स्ट जो है इंडिविजुअल निकालेगा. तो ये डिवाइड होते रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन. प्लांट सच एज अ मॉस एंड फर्न्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस मीन ऑफ द स्पोर. तो ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू डिवाइड होते हैं. मॉस, फर्न. फर्न कैसा होता है दिखने में, फर्न होता है ऐसा. ओके, अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. आपने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा ही होगा. आपने ये भी पढ़ा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं, स्टेमन एंड पिस्टल. स्टेमन जो होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टल जो होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, अब हम इसमें समझते हैं.
आपके स्कूल में बेसिकली ये समझाने के लिए लिया जाता है हिबिस्कस का रोज, ठीक है, हिबिस्कस का जो फ्लावर है उसको लिया जाता है। तो हमने चाइना रोज लिया, हिबिस्कस लिया, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे फ्लावर्स विच कंटेन इधर ओनली वन पिस्टल एंड ओनली सेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। ये इसमें आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अच्छा, यूनिसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एक पिस्टल और एक स्टेमन हो, उसको हम कहते हैं यूनि वन। एंड ऐसा फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन और पिस्टल दोनों हो, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, इसके एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल में आते हैं फ्लावर्स। अगर मस्टर्ड लो, रोज लो, तो ये सब बाइसेक्सुअल में आते हैं, ठीक है। तो जब आपके पेपर में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल से इसका डिफरेंस बता सकते हैं। ओके, अभी नीचे कुछ लिखा है नहीं, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी रिप्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और इन द डिफरेंट प्लांट, ठीक है। अब जैसे हाँ, अब ये है कुकुम्बर का, कॉर्न का, मैंने कॉर्न का एक प्लांट ले लिया। इसमें ये कॉर्न का जो प्लांट है इसके अंदर क्या पता पिस्टल हो या क्या पता स्टेमन हो। अब समझ लो इसी की तरह दूसरा कॉर्न है, समझ लो इसके अंदर पिस्टल है और इसके अंदर स्टेमन है, दोनों के अंदर अलग अलग हो सकता है। तो ये देखो मेल एंड फीमेल कुछ दोनों हो सकता है, बट दोनों एक ही में नहीं होगा। अगर दोनों एक ही में हुआ फिर हम उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। कुड यू आइडेंटिफाई द नंबर अनदर एंड द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन। अच्छा, स्टेमन के अंदर क्या आता है? फिलामेंट। अब यहाँ पर देखो, अनदर कंटेन द पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट, द पिस्टल कंटेन्स ऑफ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। पिस्टल के अंदर क्या होता है? स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होता है। ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स, द फीमेल गैमेट ऑफ द एग इज फॉर्म्ड ऑन द ओव्यूल। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टू। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं फ्लावर। ये क्या है? स्टेमन। स्टेमन के ये ऊपर क्या होता है? एंथर। ये क्या है? फिलामेंट। हो गया, हमने स्टेमन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पिस्टल। पिस्टल में ये होता है ओव्यूल। इसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये है ओव्यूल, और ये पूरा बड़ा वाला है ओवरी। ये पूरा बड़ा वाला है ओवरी, एंड इसके अंदर ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये हैं ओव्यूल्स। ये स्टाइल है एंड ये स्टिग्मा है। अब समझ लो दो प्लांट्स हैं, समझ लो दो प्लांट्स हैं। स्टिग्मा ये होता है एंड पिस्टल क्या होता है? पिस्टल फ्लावर के अंदर होता है। ओके, ये है स्टिग्मा। ओके, ये तो पॉलिनेशन है। फ्लावर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होती हैं। मतलब आपने देखा होगा हिबिस्कस के अंदर जो हिबिस्कस होता है वो कुछ ऐसा होता है दिखने में, समझ लो, ठीक है। इसके अंदर ये पोलन ग्रेन्स होती हैं। आपने देखा होगा हिबिस्कस के अंदर कितना बड़ा जो है कुछ निकला हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं, फ्लावर के एकदम अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एकदम अंदर, ठीक है। पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमीट। क्या होता है? मेल गैमीट। अब पिस्टल कंटेन, ओके, ओवरी कंटेन। अब जो ओवरी है, ओवरी क्या है? ये ओवरी के अंदर क्या होता है? सो प्लीज अवॉइड द बैकग्राउंड म्यूजिक। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ओवरी जो है। अच्छा, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमीट, एंड ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स। इस ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमिट होता है, या फिर आप एग कह सकते हो। एंड जब ये मेल गैमिट और जब ये फीमेल गैमिट आपस में डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? जाइगॉट। क्या बनाते हैं? जाइगॉट। और फिर इसी जाइगॉट से फिर नेक्स्ट जो है प्लांट निकलता है। बुजो वॉन्ट्स टू नो हाउ द मेल गैमिट इन द पोलन ग्रेन रीचेज द फीमेल गैमिट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। मेल गैमिट कहाँ प्रेजेंट है? सही क्वेश्चन है। मेल गैमिट कहाँ प्रेजेंट है? इधर प्रेजेंट है। एंड पोलन ग्रेन्स का, ओके, ये तो पोलन ग्रेन्स है जो कि मेल गैमिट में है। अब फीमेल गैमिट कहाँ पर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है ओव्यूल में। ये पहुँचता कैसे है? इसमें हेल्प करते हैं, वाटर हेल्प करता है, बीज हेल्प करते हैं। जब आप देखोगे जब हनी बीज जो होती हैं वो एक फ्लावर पर जाकर दूसरे फ्लावर पर जब जाकर बैठती हैं ना, तो वो क्या करती हैं? इस फ्लावर का थोड़े बहुत पोलन ग्रेन्स जाकर दूसरे फ्लावर पे के फीमेल गैमिट में पहुँचा देती हैं, जिसकी वजह से जायगॉट बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं पॉलिनेशन। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट। अब अच्छा, पॉलिनेशन क्या होता है? अब ये बोझो का क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है, कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। स्टिग्मा में क्या है? पोलन ग्रेन्स है। स्टिग्मा में यहाँ पर पोलन ग्रेन्स है, मैंने आपको यहाँ पर भी बताया। ये क्या है? स्टेमन। स्टेमन के ऊपर स्टिग्मा ले लो या फिर एंथर ले लो, यहाँ पर दोनों जगह पोलन ग्रेन्स होता है। ये एंथर है एंड ये स्टिग्मा है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स है। अब इधर से एंथर से ये स्टिग्मा पे गया एंड इधर के एंथर से इस स्टिग्मा पे गया। ये दो सेम तरीके के प्लांट्स हैं, ये दो सेम तरीके के प्लांट्स हैं। इस प्लांट का जो एंथर है ये जाकर के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर चला गया।
बट हैं दोनों सेम, दोनों रोज हैं, तब हम इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। यस, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि एक रोज का है एंड एक हिबिस्कस का है, एक रोज का है एंड एक हिबिस्कस का है, यहाँ पर एंथर है एंड यहाँ पर क्या है सिग्मा, इसका एंथर उठ कर कर सिग्मा पे चला गया एंड दोनों प्लांट्स अलग है, तब हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ओके, तो अब हम एक बार इसको लास्ट बार समझ लेते हैं क्या होता है। ये दो सेम प्लांट हैं, ये दो सेम प्लांट हैं, ये ऐसे प्लांट हैं, ये दोनों ही क्या है रोज है। इसका एंथर उठकर इसके सिग्मा पर चला गया, इसका एंथर उठकर खुद के अपने सिग्मा में चला गया, ये जो प्रोसेस है इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्लावर सेम थे, यहाँ पर फ्लावर सेम थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये है एक फ्लावर एंड ये है दूसरा फ्लावर, दोनों फ्लावर्स यहाँ पर अलग हैं, इसका एंथर उठ के इसके सिग्मा पे चला गया, तब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों फ्लावर यहाँ पर डिफरेंट थे एंड यहाँ पर सेम थे। ठीक है, जब फ्लावर सेम हो और पॉलिनेशन हो रहा हो तब हम कहेंगे उसे सेल्फ पॉलिनेशन, एंड अगर फ्लावर डिफरेंट हो तब पॉलिनेशन हो रहा हो तब हम उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। एंड इसको हेल्प करने में करता है कौन, इंसेक्ट्स करते हैं, इंसेक्ट फ्लावर पे विजिट करते हैं एंड एक फ्लावर का पोलन उठाकर दूसरे फ्लावर में जाकर डालते हैं, या फिर वाटर, जब हम वाटर्स डाल रहे होते हैं। ठीक है, ये सब हेल्प होता है। पॉलिनेशन क्या होता है यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर लेना, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम वन एंथर टू द सिग्मा, एक एंथर एंथर की पोलन वे सिग्मा पे जाकर लैंड कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो भूजो जानना चाहता है कि फ्लावर्स क्यों इतने कलरफुल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट ताकि इनके पास आए और इनकी हेल्प करें रिप्रोडक्शन में। ओके, व्हेन द पोलन ऑफ द फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ये होता है कि जब एक का एंथर स्टिग्मा पे जाता है और जब प्लांट्स डिफरेंट हो। ओके, यहाँ पर बता रखा है कि जायगोट कैसे बनता है, तो यहाँ पर है आपका ओव्यूम, फ्लावर के अंदर ये क्या है ओव्यूम है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन है, ऊपर ही होता है ना पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन नीचे गया एंड अंदर जाकर मेल गैमेट के साथ मिलकर इसने क्या बना लिया जायगोट। ये जो ऊपर आपने गोला देखा था ये यहाँ से जाकर के अंदर चला गया और इसने जायगोट बना लिया। अब फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट। अच्छा, जब इनका फ्यूजन हो जाता है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के आसपास मिल जाता है तो हम इसको कहते हैं जायगोट। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म टू जायगोट इज कॉल्ड, ये जो प्रोसेस हो रहा है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिल रहा है फर्टिलाइजेशन बनाने, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं। ठीक है, द जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रॉय। अब ये जो जायगोट है फिर बाद में ये एम्ब्रॉय बन जाता है, ये जायगोट बाद में एम्ब्रॉय बन जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओवरी ग्रोज इंटू अ फ्रूट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स फॉल ऑफ, द फ्रूट इज राइपेंड ओवरी। अच्छा, अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ग्रोज इंटू, अब जो ओवरी होता है, जो यहाँ पर ओवरी होता है बीच में होता है फ्लावर के, लेट्स गो टू अवर फिगर, यहाँ पर जो ओवरी होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में एंड जो हमारा पेड़ होता है उसके कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं जमीन पे गिर जाते हैं एंड इससे एक नया जो है सीड बन जाता है या एक नया जो है प्लांट निकल आता है और जो आपके पेड़ पर फ्रूट लगे हैं वो राइपेंड हो जाते हैं। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल, द सीड कंटेन्स द एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन प्रोटेक्टिव सीड कोट। अच्छा, ये जो सीड बनता है, जो सीड बनता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट होती है। ठीक है, इस प्रोटेक्टिव कोट को हम एम्ब्रॉय कहते हैं। कुछ फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी होते हैं, कुछ जूसी होते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत हार्ड होते हैं जैसे एलिमेंट्स एंड वॉलनट्स। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत मोटी लेयर होती है, ठीक है, और इनके ऊपर नहीं। अब हम देखते हैं सीड डिस्पर्सल के बारे में। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट अ डिफरेंट प्लेसेस। नेचर ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि एक एरिया में सेम, जैसे एक एरिया में रोज ही रोज उग रहे हैं। दिस हैपन क्यों? सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ऐसा क्यों दिस हैपन? क्योंकि सीड्स ताकि अलग अलग जगह उग सके। जैसे अगर बर्ड क्या की, बर्ड ने एक फ्रूट तोड़ा, बर्ड ने एक फ्रूट खाया, अब क्या करेगी, बर्ड उड़ते उड़ते उस सीड को कहीं पर भी गिरा देगी। ठीक है, कोई अगर पार्क में फॉरेस्ट में जा रहा है, ठीक है, वो जाते जाते उसको एक अच्छा फ्रूट मिला, उसने खाया और वहीं पर उसका सीड गिरा दिया, तो क्या करेगा, वो वहीं से एक नया जो है प्लांट उग जाएगा। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ द सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स। कभी कभी सीड्स जो है क्लोथ्स के ऊपर आपने देखे होंगे जो है लटकते हुए। वॉट डू यू थिंक विल हैपन इफ द सीड्स ऑफ द प्लांट्स वुड फॉलो एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। अच्छा, क्या होगा जब सीड एक ही जमीन में वापस, यहाँ पर एक रोज का फ्लावर लगाए और उसी के साइड में रोज का सीड गिर गया, तो क्या होगा? तो ऐसा होगा, यहाँ पर एक और रोज उग जाएगा,
फिर यहाँ पर समझ लो वापस सीट गिर गया, यहाँ पर एक और रोज उग जाएगा, यहाँ पर वापस एक और रोज उग जाएगा। अब क्या होगा, अब ये सबके सब सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए और जगह के लिए लड़ने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हम अलग अलग प्लांट उगाए। अगर हमने यहाँ रोज उगाया तो हमको यहाँ सनफ्लावर उगाना चाहिए, क्योंकि दोनों का खाना अलग चाहिए होगा, दोनों को स्पेस अलग चाहिए होगा। अगर हम सेम उगाएंगे, समझ लो आपको भी पिज्ज़ा पसंद है, आपके फ्रेंड को भी पिज्ज़ा पसंद है, अगर एक पिज्ज़ा आया तो आप दोनों लड़ने लगोगे, लेकिन अगर उसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक आया, आपके लिए पिज्ज़ा, तो दोनों अपना पेट भर के खा पाएंगे। तो इसलिए अगर प्लांट सारे सेम है तो प्लांट सनलाइट, वाटर एंड मिनरल एंड स्पेस के लिए कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जन, इसलिए आप किस जगह पे सीड बोते हो उससे आपके प्लांट को ही फायदा होगा। इट प्रिवेंट द कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर द सनलाइट एंड मिनरल्स। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके प्लांट को अच्छी सनलाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा एंड मिनरल मिलेगा। इट ऑल्सो एनेबल्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर द वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इसीलिए हम जिस तरीके का प्लांट जहाँ जिस जगह में उगना है, हम वहाँ खेतों में भी आपने देखा होगा कि सीड्स को कहाँ कहाँ डिस्टेंस पे उगाया जाता है। ठीक है, दूर दूर कर कर मशीन के थ्रू। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय द विंड, वाटर, एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स ही क्या करते हैं, एक जगह से सीड को उठाकर दूसरी जगह फेंकते हैं, फ्रूट्स को एक जगह से। सिर्फ एनिमल्स नहीं होता है, वाटर या विंड या फिर हम लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं, कुछ खाया, कोई फ्रूट खाया और उसको कहीं पर भी फेंक दिया। विंग सीड, अच्छा विंग सीड्स क्या होते हैं, सच एज दो ड्रम स्टिक एंड मैपल। आप यहाँ पर कुछ फोटो देख रहे हो विंग स्टिक्स की, विंग स्टिक क्या होती है, जिनकी पंख निकले हो, ये आप देख रहे हो, इसके विंग्स हैं एंड ये क्या है, सीड है। तो ये कुछ विंग सीड के नाम है, ड्रम स्टिक एंड मैपल। सीड्स ऑफ द ग्रासेस ऑफ द हेयरी आर्क एंड मदर हेयर मदार हेयरी फ्रूट ऑफ द सनफ्लावर। अब आप ये देख रहे हो ये क्या है, हेयरी सीड्स हैं, ये क्या है, हेयरी सीड्स हैं, ये हेयरी फ्रूट है एंड ये हेयरी सीड है। अच्छा, ये हेयरी फ्रूट किसका है, सनफ्लावर का, मतलब अगर आप इसको जमीन में अगर उगाते हो तो इससे जब ये उगेगा तो इसके क्या होगा, ये सनफ्लावर निकलेगा। ठीक है, एंड ये मदार है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर। कुछ सीड्स वाटर के हेल्प से डिस्पर्स, समझ लो बहुत तेज जो है सुनामी आई, सुनामी नहीं आई, आपने बहुत तेज पानी मारा, फ्लोर पर आपने पानी मारा, क्या हो गया कि आपके गार्डन में जो सीड है वो समझ लो एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर चला गया आपके वाटर मारने की वजह से। तो वाटर भी क्या करता है, सीड को डिस्प्लेस करता है। दिस फ्रूट्स आर यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और द फाइब्रस आउटर कोकोनट। कोकोनट को आपने देखा होगा कि उसकी बाहर की कोट बहुत हार्ड होती है, बट अंदर की जो ब्राउन वाली कोट होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ऐसा होता है बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारे सीड्स में। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय द एनिमल्स, स्पेशली स्पाइनी सीड्स। कुछ सीड्स एनिमल्स डिस्पर्स करते हैं, जैसे स्पाइनी सीड हो गया, हुक हो गया, आर अटैच टू द बॉडीज ऑफ द एनिमल विच आर कैरी टू डिस्टेंट एग्जाम्पल जैंथियम एंड यूरेना। ये एक जैंथियम है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जब वो कोई चीज कोई फ्रूट खाते हैं तो उनके बॉडी में सीड चिपक जाता है और फिर जब वो इधर से उधर चलते हैं तो वो सीड गिर जाता है। ठीक है, और वहीं पर प्लांट उग जाता है एंड इसका एग्जाम्पल है जैंथियम एंड यूरेना। तो आपको विंग सीड के एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, हेयरी सीड और फ्रूट के एग्जाम्पल लर्न करने हैं एंड एनिमल्स के। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फूड, और कभी कभी क्या होता है कि समझ लो एक फ्रूट है जो कि अचानक से फूटा, एक फ्लावर जो अचानक से फूट के फ्रूट में बदल गया, तो जब वो फूटा तो उसने कुछ सीड्स क्या किए, आप फेंक दिए, मतलब ग्राउंड में गिर गए एंड तब क्या होता है, तब भी जो है प्लांट्स निकल आते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैस्टर एंड बैल्सम। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या लर्न करना है, इसमें सिर्फ आपको विंग सीड का एग्जाम्पल, हेयरी सीड का एंड एनिमल्स एंड इसका बर्स्ट का इसका लर्न करना है, कास्टर एंड बालसम। ओके, आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कीवर्ड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, एम्ब्रॉय, फर्टिलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन, गैमीट, हाइफा, ओव्यूल्स एंड डायग्राम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, एक भी डायग्राम छूटना नहीं चाहिए। ओव्यूल, पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर, स्पोरेंजियम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड जायकॉट। अब एक बार देख लेते हैं व्हाट यू हैव लर्न्ड। ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस कर जो वो चीज़ रिप्रोड्यूस करते हैं वो उन्हीं की तरह होती है। एंड प्लांट्स दो मोड्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देयर आर बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं टू फॉर्म द जायगोट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, लीव, स्टेम, रूट। एंड जब लीफ, स्टेम, रूट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं प्लांट को उगने में, फ्रूट बनने में, तब हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, क्योंकि उसी के अंदर सब कुछ होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल भी उसी के अंदर होता है।
अ फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल विद ईदर मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव. अच्छा, अगर एक फ्लावर में या तो मेल गैमिट है या तो फीमेल गैमिट है तो हम उसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे, बट अगर उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों है तब उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे. जो मेल गैमिट होता है वो पोलन ग्रेन के अंदर फाइंड आउट होता है, और जो फीमेल गैमिट होता है वो ओव्यूल के अंदर फाइंड आउट होता है. पोलिनेशन क्या होता है? जब एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा पे, ठीक है, दूसरा फ्लावर हो चलेगा, सेम फ्लावर हो तो भी चलेगा. अब पॉलिनेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस, जो मैंने आपको समझा रखा है. अब पॉलिनेशन टेक प्लेस इन द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ द विंड, वाटर एंड इंसेक्ट. पॉलिनेशन में हेल्प कौन करता है? विंड, वाटर और इंसेक्ट, और सब एनिमल्स भी आप ऐड कर सकते हो. मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो ये प्रोसेस है इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एंड इनके फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जो जाइगोट फिर बाद में एम्ब्रियो बन जाता है. एंड एम्ब्रियो सीड्स में क्या होता है? हार्ड कवरिंग. ओके, फ्रूट इज द मैच्योर ओवरी वेयर ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड्स विच कंटेन द डेवलपिंग. जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स को आप कह सकते हो कि वो एक मैच्योर ओवरी है, मतलब वो फ्रूट अभी धीरे धीरे पक रहा है, ठीक है. एंड जब वो पूरा पक जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? सीड्स डेवलप होने लग जाते हैं, और वो सीड्स के अंदर एम्ब्रियो होता है. वो सीड्स डेवलप हो जाने होते हैं और उन सीड्स के अंदर प्रोटेक्टिव एम्ब्रियो कोटिंग हो जाती है. सीड्स और कौन डिस्पर्स करता है? विंड, वाटर एंड एनिमल्स. सीड डिस्पर्सल हेल्प्स टू प्लांट्स टू प्रिवेंट. अच्छा, सीड डिस्पर्सल से क्या हेल्प मिलती है? ये आपकी बुक में नहीं लिखा, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको आंसर मिल गया. प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड इन्वेड न्यू हैबिटेट्स. मतलब अगर आपने सही जगह पर सीड को डिस्पर्स किया है तो ज़्यादा जो आपके फूल हैं वो ज़्यादा पास पास में नहीं हो जाएंगे, कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, फ्लावर्स झगड़ेंगे नहीं, ठीक है, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के लिए. इन्वेड न्यू हैबिटेट्स, अगर आपने रोज को एक जगह पर लगाया है और दूसरी जगह पर आपने हिबिस्कस को लगाया है, ठीक है, सेम जगह पर नहीं लगाया, तो वो दोनों क्या है? अपने नए नए हैबिटेट में फिट हैं. ओके, अब आती है एक्सरसाइज. अगर आपको उसको समझ के सॉल्व करना है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना. थैंक यू वेरी मच.